खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधा प्रदान करने के सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए यह दृश्य काफी है। ये दृश्य है सोपोर में पिछले 8 सालों से बन रहे इंडोर स्टेडियम के, जिसका निर्माण साल 2016 में शुरू किया गया था, पर 8 साल पूरा होने के बाद भी आज तक ये पूरा नहीं हुआ। स्थानीय खिलाड़ियों ने बताया कि इंडोर स्टेडियम को मंजूरी मिलने के बाद उन्हें इस बात की खुशी हुई थी कि उनके लिए सरकार ने बुनियादी सुविधा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो उन्हें बताया गया कि इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य 2 साल के भीतर पूरा किया जाएगा, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी स्टेडियम अभी भी अधूरा है। खिलाड़ियों ने कहा कि सरकार खेल के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना के दावे तो कर रही है, लेकिन ये दावे जमीनी स्तर पर झूठ साबित हो रहे हैं। अपने जम्मू एंड कश्मीर का इंटरनेशनल प्लेयर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप देख रहे हैं हमारा इंडोर स्टेडियम है सोपोर का, हमारे सारे स्टूडेंट्स को बारामूला जाना पड़ता है सोपोर के स्टूडेंट्स को खेलने के लिए, क्योंकि हमारा ये इंडोर स्टेडियम अभी तक बना नहीं है। पॉलिटिशियंस जो भी है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, सिर्फ वोट वोट हमें मांगते हैं, सिर्फ वोट दो भीख मांगते हैं वोट दो, मगर हमारा कोई गवर्नमेंट ये सोपोर का काम नहीं कर रहा है। आज से 4-5 साल पहले ये इंडोर स्टेडियम यहाँ पे बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसकी सूरत हाल अभी भी वैसी ही है। हम प्लेयर्स को, हमारे एथलीट्स, हमारे छोटे भाई बहनों को यहाँ से जाना पड़ता है बारामूला श्रीनगर जाना पड़ता है। जैसे श्रीनगर में फैसिलिटीज अवेलेबल है तो सोपोर में क्यों नहीं है? सोपोर में तो इतना टैलेंट है, यहाँ के बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर से, नेशनल प्लेयर से, तो हमारे बच्चे आगे कहाँ से जाएंगे? हमारे बच्चे तो ड्रग्स में ही मुबतला हो जाएंगे ना। ये झूठी खबरें जो फैलाते हो आप लोग, हमने सोपोर में ये किया वो किया ये किया, बट इन लोगों ने, स्पोर्ट्स वालों ने कुछ भी नहीं किया है सोपोर में। आप देख सकते हो हमारा इंडोर स्टेडियम यहाँ पे नहीं बनाया अभी तक, बस वैसा का वैसा। आप देखते हो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। अब हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके जितना हो सके जल्दी हमारा ये स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बनाया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे भी आगे अपने भारत का नाम रोशन करें। ये मुझे लगता है 6 साल से ऐसी पड़ी है, तो इसके फंड्स भी अलॉट हुए हैं, लेकिन पता नहीं वो ठेकेदार साहब कहाँ है, कौन सा डिवीजन इसका काम करता है। तो इसलिए मेरी अथॉरिटीज से, क्योंकि हमने सपोर्ट्स अथॉरिटीज जो हैं जिनके अंडर ही है, हमने बहुत बार उनसे अपील भी की, दरख्वास्त भी दिए कि इसको कुछ कीजिए, लेकिन अब हम हायर अथॉरिटी LG साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस सोपोर को, जो हमेशा जिसको सोतेली बेटे का सलूक इसके साथ हुआ है, वो छोड़कर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, और ये जो ठेकेदार हैं इनको टास्क मिले कि ये काम क्यों नहीं हुआ है। बाकी आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो खेलो इंडिया खेलो, उसमें बहुत पैसा इसके लिए सरप दिया है उन्हें खेलने के लिए, लेकिन वो, इसलिए मैं हायर अथॉरिटी से अपील करता हूँ कि वो देखें ये पैसा चला कहाँ गया और ये कब तैयार हो जाएगा। तो हमारे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए, अगर आप थोड़ा घुमाएंगे, देखिए लड़के हमारे बैठे हैं, हमारी लड़कियाँ यहाँ खेलने आती हैं, तो उनके लिए कम से कम कोई इंडोर स्टेडियम बने, ताकि सभी में वो अपने जो टैलेंट है उसका इजहार करें और आगे अपने मुल्क के लिए खेलें।